Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिलन आसिफ यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि MJPRU यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो पहला पुराना तरीका था, पुराना मेथड था, जो उन्होंने पुरानी वेबसाइट को चेंज कर दिया है, अब सब कुछ न्यू तरीके से होता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कैसे एडमिट कार्ड निकालते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे वीडियो को बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो हम कोई भी ब्राउज़र हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में सर्च बार में हम टाइप करेंगे MJPRU। MJPRU हमने सर्च कर दिया है, तो यहाँ पर ये MJPRU खुलकर आ जाएगा। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले पे हमने क्लिक कर दिया है। तो आप देखिए, ये MJPRU की वेबसाइट खुल गई है। अब यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म में, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन मेन एंड ऑड सेमेस्टर सिस्टम फॉर्म, हम सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट वाले पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में हमारी ये न्यू वेबसाइट खुल गई है। लेफ्ट साइड में 3 डॉट दे रखे हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड एडमिट कार्ड दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अभी ये ओपन हो गया है। अभी यहाँ मांग रहा है फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर के लिए देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में हम अपने कॉलेज कोड डालेंगे यहाँ पर, जो कॉलेज का हमारा कोड है या कॉलेज का हम नाम उसमें भरेंगे। तो मैंने अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल कर दिया है, ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर दिया है कॉलेज के नाम का। इसके बाद में सिलेक्ट कोर्स, तो हमारा BA BCOM जो भी है उसके लिए हम उसी पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि मैं कर देता हूँ अपना MA सेकेंड ईयर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल आपको भरना है अपने ज़रूरत अनुसार। तो मेरा यहाँ मेल है तो मैं मेल रहने दूँगा। अब यहाँ पर अपना नेम भरना है, तो मेरा नाम है, मैंने अपना नाम यहाँ पर भर दिया है। अब उसके बाद में ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, अब इसको हम फिल करेंगे। अब यहाँ आपने कैप्चा कोड फिल कर दिया है। अब यहाँ पर सर्च पर जो ब्लू आइकॉन सर्च का दे रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। तो ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके भी हिसाब से आ जाएगा। फॉर्म नंबर जो आपका हो उसका फ़ोन नंबर हम कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में आप बैक जाएंगे और उसी टैब पर वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद में यहाँ फॉर्म नंबर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आगे जो 19 दे रखा है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया है। वैसे ही आप करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। और अब उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा कोड दे रखा है, तो हम ये कैप्चा कोड इसमें सबमिट करेंगे। तो कैप्चा कोड हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ पर सर्च बार पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर दिया है और ये हमारा एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ गया है। ये देखिए, पूरा एडमिट कार्ड हमारा सामने आ गया है। तो बस आप इसी तरीके से स्टेप फॉलो करें। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सजेशन आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।